हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ईडीपी ऑडिट और ईडीपी कंट्रोल के लिए वीडियो बनाए, तो आज मैं उसी के रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो ईडीपी का मतलब क्या होता है? ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी जो भी ऑडिट वर्क हम लोग मैनुअली करते, जाके हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते, वो हम लोग कंप्यूटर बेस पे करते, उसको हम लोग ईडीपी बोलते हैं। ओके, अब ईडीपी ऑडिट क्या रहता है? तो कंप्यूटर्स पे हम लोग सारी चेकिंग करते हैं, कंप्यूटर के रेफरेंस पे हम लोग सारे जो डेटा से वो चेक करते हैं, उसको हम लोग ईडीपी ऑडिट बोलते हैं। और ईडीपी कंट्रोल क्या रहता है? तो अगर कोई भी मिस्टेक्स है उसको हम लोग कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम लोग ईडीपी कंट्रोल बोलते हैं। ओके, तो चले हम लोग जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले हम लोग का है ईडीपी कंट्रोल। वेर अकाउंट्स आर कंप्यूटराइज, द फॉलोइंग कंट्रोल्स आर इंट्रोड्यूस। इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल ईडीपी कंट्रोल एंड ईडीपी एप्लीकेशन कंट्रोल। हम लोग के बुक के हिसाब से फिलहाल हम लोग को दो टाइप के ईडीपी कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, जो है सबसे पहला हम लोग का जनरल ईडीपी कंट्रोल। जनरल ईडीपी कंट्रोल, द पर्पज ऑफ सच कंट्रोल इज टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क ऑफ ओवरऑल कंट्रोल ओवर कंप्यूटराइजेशन एक्टिविटी। दे इंक्लूड द फॉलोइंग: ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, एरर रूटीन, कंट्रोल ओवर स्टेशनरी, कंट्रोल ओवर डेटा एंट्री एंड प्रोग्रामिंग, कंट्रोल ओवर डेटा फाइल्स एंड हार्डवेयर कंट्रोल। ओके, हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल क्या होता है। इन मैनुअल सिस्टम देर आर काउंटर चेक इन द सेंस दैट द वर्क ऑफ द पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय द अदर। सच is not in the case with the computer, as all the entries in the journals and ledgers are made simultaneously. Hence, organization should be controlled so that there is no collusion between the small staff. The organization in EDP is as under. हम लोग जब मैनुअली काम करते हैं तो हमको ये पता रहता है कि एक पर्सन का कोई भी मिस्टेक रहता है तो दूसरा पर्सन वो निकाल सकता है, यानी एरर करेक्शन ईजिली हो सकता है, क्योंकि मैनुअली हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। लेकिन वो चीज़ कंप्यूटर में नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, एक बार एंट्री डाल दी तो उसकी सारी पोस्टिंग अपने अपने जगह पे पहुंच जाती है। इसकी वजह से हम लोग को स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल करके रखना पड़ता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सही से काम किया तो सारी एंट्री सही से जाएगी। ओके, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर्स में कौन कौन आते हैं? सिस्टम एनालिस्ट्स, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, फाइल लाइब्रेरियन, की पंचिंग, कंट्रोल ग्रुप। तो ये सारे लोग जो है अगर मिलजुल के काम करेंगे तो हम लोग का सारा डेटा सही टू सही ही मिलेगा और हम लोग में कोई एरर नहीं आएगा। ओके, सेकंड हम लोग का है कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देयर शुड बी अ क्लियर कट प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। द मेथड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इज टू बी लेड डाउन। देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्रोग्रामिंग सो दैट द नो अनऑथराइज चेंज इन द प्रोग्राम कैन बी मेड। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्रिजर्विंग द प्रोग्राम। इफ देयर इज नीड टू मेक चेंजेस इन एनी प्रोग्राम, इट मस्ट बी अप्रूव बाई द डर्लेट ऑथोराइज पर्सन। जो भी मेथड कंप्यूटर सिस्टम में चल रहा है वो सभी को पता होना चाहिए, मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है उसको। और अगर कोई न्यू चेंजेस आ रही है तो वो न्यू चेंजेस पहले जो हेड रहेगा, जो सारा चीज़ कैलकुलेट कर रहा है, सारा चीज़ संभाल रहा है, उसको पता होगा, वो सबको सिखाएगा और उसके बाद वो यूज होगा। कोई ऑटोमेटिकली अपने मन मर्जी से वहाँ पर काम नहीं करेगा। थर्ड हम लोग को दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर। There should be a manual of how a computer is to be operated or program instruction must be developed. A timetable of the computer programming should be framed. In each of the working shift there should be at least two operator. जो भी हम लोग का काम कर रहे ऑपरेटर, उनको कंप्यूटर की सारी नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर मिनिमम टू ऑपरेटर्स होने चाहिए कि अगर एक को प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा उस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ सकता है। अगर एक के ऊपर ही सारा चीज़ डाल दिया तो शायद प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फोर्थ हम लोग का है एरर रूटीन। देर शुड बी अ क्लियर कट प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द करेक्टिंग एरर्स फाउंड इन एनी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड और प्रोग्राम। अ शॉर्ट सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर शुड बी देयर अलॉन्ग विद द करेक्शन। एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू एनी सच करेक्शन सिंस दे प्रोवाइड अ यूजफुल इंसाइट इन टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। जो भी एरर करेक्ट कर रहे हैं, यानी अभी समझो हम लोगों ने पूरा कंप्यूटर में सारा चीज़ डाल दिया, एक्सेल में वर्क सारे एक्सेल में हम लोगों ने एंट्री डाल दी, फिर टैली में एंट्री हो गई और उसके बाद कोई एरर आ रहा है, तो जिसने सुपरवाइज किया है उसको अगर एरर वो मिल गया तो वो एरर करेक्ट करने के बाद वहाँ पर वो सिग्नेचर रख देगा। जब भी सिग्नेचर दिखता है तो ऑडिटर को सबसे पहले वो सिग्नेचर वाले पेपर ही चेक करने, क्योंकि उसमें चांसेस हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक निकलने के। तो जहाँ पे
जो भी सुपरवाइज़र है उसकी सिग्नेचर दिख गई तो ऑडिटर को वो चीज़ और अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है कंट्रोल ओवर स्टेशनरी। देर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इशू ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी, पर्टिकुलरली व्हेन स्टेशनरी कंसिस्ट ऑफ चेक, पे ऑर्डर एक्सेट्रा। स्टेशनरी के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, स्पेशली किस चीज़ की स्टेशनरी, तो हम लोग के बैंक की जो भी डिटेल्स है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का पे ऑर्डर चेक हो गया या चेक हो गया, नॉर्मल चेक हो गया, तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सिक्स, कंट्रोल ओवर डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम। हु इज़ ऑथराइज टू मेक एंट्री इन अ कंप्यूटर एंड विथ हुज ऑथोरिटी अ प्रोग्राम इज़ टू बी फिट टू द कंप्यूटर मस्ट बी लेड डाउन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैंडलिंग प्रोग्राम एंड डेटा फाइल शुड बी एंट्रस्टेड टू अ लाइब्रेरियन, ही शुड प्रोवाइड देम ऑथोराइज पर्सन ओनली। कौन डेटा एंट्री करेगा, कौन प्रोग्रामिंग करेगा, ये पहले से क्लियर आउट होना चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो लाइब्रेरियन, जिसके पास ये सारी एंट्रीज होगी वो उनको प्रोवाइड करेगा, और वो सारी एंट्रीज जिसको जहाँ पे ज़रूरत है उसको वो वहाँ पे पहुँचाएगा। सेवन, कंट्रोल ओवर डेटा फाइल्स। देर शुड बी प्रॉपर सिस्टम ऑफ सेफगार्ड ओवर रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपीज एक्सेट्रा रिक्वायर ग्रेट डील एंड केयर सो दैट दे आर नाइदर डिस्ट्रॉय और डैमेज एंड आर मेड अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। There should be a backup system so that the if the original record is lost, duplicate ones are available. Copies of the program and data should be kept at the place over than the one where the computer systems is located. Okay, हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जिस चीज़ में हम लोग ने सारा data रखा हुआ है वो data safeguard ले रखना पड़ेगा, यानी कहीं पे खोना इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक बैकअप प्लान के लिए हम लोग को इसकी कॉपी प्रोवाइड करके रखनी पड़ेगी कि जब भी हम लोग का ये प्लान, अगर ये हम लोग का डिस्क ख़राब हो गया या ये डिस्क हम लोग से खो गया तो हमारे पास दूसरा एक बैकअप प्लान ऑलरेडी रहेगा। ओके, फिर उसके बाद है एट, हार्डवेयर कंट्रोल। देर आर मैनी इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल डिवाइसेस यूज इन कंप्यूटर सिस्टम एंड अ साइड इफेक्ट इन एनी पार्ट विल डिसरप्ट द वर्किंग ऑफ EDP सिस्टम। देर शुड बी एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ करेक्शन, इट शुड बी इंडिकेटेड दैट देर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड नीड्स करेक्शन। हार्डवेयर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर हम लोग को सबको पता है एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग को पता नहीं चलती, तो इसकी वजह से कंप्यूटर के अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम बिठा के रखूं कि वो हम लोग को खुद ही बता दे, अगर एरर आ रहा है तो हमको बताए कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो एरर करेक्शन अपने आप हम लोग को कंप्यूटर पे बता देगा, जिससे ऑडिटर को और जो उसके ऊपर काम कर रहा है उसको पहले से अलर्ट हो जाएगा कि हम लोग जो डेटा डाल रहे हैं वो सही जगह पे नहीं जा रहा। ओके, फिर उसके बाद है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। लार्ज अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन EDP सिस्टम एंड इट्स डैमेज विल रिजल्ट इन टू द ग्रेट लॉस। इफ़ डेटा इज डिस्ट्रॉय द कंपनी इज पुट टू द कंसिडरेबल ट्रबल, लॉस डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू फाइल्स कॉपीज एक्सेट्रा विल बी इक्वली ट्रबलसम। Hence, all equipment must be properly insured and proper arrangement for the safety must be made. The auditor has to verify this control to see how far they are efficient and useful in checking error, in preventing malpractice and in preserving the records and file. हम लोग को इसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता है EDP ऑडिट आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जितना ये चल रहा है उतना ही ज़्यादा वो महंगा है। अगर हम लोग ने इसको सही तरीके से नहीं यूज़ किया तो हो सकता है नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कंपनी को हम लोग को पीछे कर देगा। इसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स हो वो पहले से सॉल्व करना चाहिए। ये हम लोग का हो गया EDP ऑडिट का। अब हम लोग का हो जाएगा EDP कंट्रोल का सेकेंड पॉइंट। इन एडिशन टू द जनरल EDP कंट्रोल, देर शुड बी अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर ईच टू EDP एप्लीकेशन। दिस कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, कंट्रोल्स ओवर इनपुट, कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल्स ओवर आउटपुट। कंट्रोल ओवर इनपुट में क्या होता है, तो जब भी हम लोग के सामान हमारे हम लोग के मैन्युफैक्चरिंग साइट में आते हैं तो सारी चीज़ें पहले से चेक कर दी जाएगी, हम लोग के रिकॉर्ड के हिसाब से वो सारी चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही, और वही चीज़ हम लोग कंप्यूटर पे डालते जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल ओवर इनपुट। ओके, उसके बाद सेकेंड हम लोग का है कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स आर नीडेड टू एंश्योर द ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली प्रोसीड बाय द कंप्यूटर। दे आर नेसेसरी टू एंश्योर द रियलिबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। यानी जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर पे डाल रहे हैं वो सारे कंप्यूटर प्रोसेसिंग सही से हो, ये हम लोग को ध्यान देना है। अब इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहला हम लोग को दिया हुआ है अ फाइल नंबर ऑफ द लेबल्स मस्ट बी यूज टू एंश्योर दैट अ प्रॉपर फाइल इज बींग यूज ऑन अ स्पेसिफिक रन। Second, in order to avoid error of transportation of figure, there should be a system of self-checking. सबसे पहले हर फाइल के ऊपर प्रॉपर नाम डाल दो,
सेकंड, एरर निकालने के लिए हम लोग को सेल्फ चेकिंग का प्रोसेस रखना है कि हम लोग खुद से अगर डेटा डाल दें तो खुद से एक बार चेक कर लें नंबर्स वगैरह। थर्ड, व्हेन स्टॉक आइटम्स आर बीइंग चेक, इट मस्ट बी एंश्योर दैट प्रॉपर कोड्स आर यूज्ड। जैसे ही चेक्ड हो गया तो वहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर कोड दिया रहता है, वो कोड सही से यूज्ड होगा, नहीं तो दूसरा एक का डेटा दूसरे कोड के ऊपर चला गया तो गलत हो जाएगा। फोर, द डेटा फिट शुड बी विद इन पर्टिकुलर अपर एंड लोअर लिमिट। अपर और लोअर लिमिट का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है कि वर्कर का मिनिमम टाइम 1 से लेके मैक्सिमम 12 है, तो इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो हम लोग को डालना है। ओके, फिफ्थ, वेरियस ट्रांजेक्शन एंटर्ड एंड प्रोसीड मस्ट बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली एंड कंट्रोल मस्ट एंश्योर दैट दे आर इन दैट ऑर्डर। हम लोग की जो भी ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं वो पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया फिर बेचा, तो ये ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सिक्स, द कोरस्पॉन्डिंग फिगर मस्ट बी रिकनसल्ड। एग्जाम्पल, द टोटल ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस रीजन्स इन वेरियस कॉलम मस्ट बी टैली विद द टोटल सेल्स। हम लोग को पता है कि हम लोग जब भी बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो हर चीज़ की दो एंट्री होती है, ड्यूअल एंट्री होती है ना, तो वो ड्यूअल एंट्री के साथ मैच होना चाहिए। जो आपने कंप्यूटर में डाला है और जो आपका लास्ट बैलेंस शीट बन रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर प्रॉब्लम अगर तुम लोग का सेम नहीं हुआ इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके, फिर थर्ड हम लोग का है आउटपुट कंट्रोल। इफ़ प्रॉपर कंट्रोल इज मेंटेन ओवर इनपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा द फाइनल आउटपुट इज लाइकली टू एक्योर एंड करेक्ट। हैंस इफ इट मस्ट बी वेरीफाइड द आउटपुट रिलेट प्रिसाइसली टू द ओरिजिनल इनपुट, द टेस्ट ऑफ रिजनेबलेस मस्ट बी अप्लाई टू द फाइनल आउटपुट, द यूजर ऑफ द आउटपुट डेटा आर एबल टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी और अदरवाइज ऑफ द फाइनल फिगर्स टू सेंड टू हिम। If error come to his notice, he must immediately bring it to the notice of the computer department to verify that final output. जब final output बन जाएगा तो final output भी check हुआ जाएगा। अगर वहाँ पर कुछ error आ रहा है तो जो सारा कुछ check कर रहा है यानी input, processing, output सब कुछ check कर रहा है और file को manage कर रहा है, वो पहले computerized वाले को बता देगा कि भाई इसमें से problem है तो आप इसको check करो। ओके, ये हम लोग का हो गया EDP control का। अब हम लोग आएंगे EDP audit पे। Basically, the principle of audit of account where accounts are written manually and where accounts are written by computer are the same. However, following point must be remembered. हम लोग जो manually काम करते हैं वही same चीज़ computer भी करता है, लेकिन कुछ changes हम लोग की इसके अंदर आते हैं EDP में, जिसमें सबसे पहला है, it is basic principle of auditing that auditor should have adequate training, experience and competence in audit work. द सेम इज़ थ्रू इवन इन EDP ऑडिट। हम लोगों ने ऑडिटर के बारे में पढ़ा है कि ऑडिटर को नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए ऑडिट के अंदर, वैसे ही सेम चीज़ EDP ऑडिट में भी आता है। EDP ऑडिट वाले को कंप्यूटर की ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। द ऑडिटर शुड हैव इनफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग सिस्टम सो दैट ही कैन प्रिपेयर हिज ऑडिट प्लान, ही कैन अंडरस्टैंड हाउ EDP अफेक्ट्स द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड कैन डिटरमाइन हिज ऑडिट प्रोसीजर। मतलब उसको पता होना चाहिए कि इनपुट कैसे डालना है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग कैसे करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग को कंप्यूटर में सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ों का नॉलेज उसको होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं रहा तो उसका EDP में रहना कुछ फ़ायदे का नहीं रहेगा। सेकेंड, एज इन केस ऑफ अदर ऑडिट्स एन ऑडिटर कैन डेलीगेट हिज वर्क अंडर EDP टू हिज असिस्टेंट, बट इन दैट केस द ऑडिटर शुड हैव इनफ नॉलेज अबाउट द EDP सो दैट ही कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ हिज असिस्टेंट। अगर ऑडिटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड हो गया है तो वो अपना काम वो असिस्टेंट को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको EDP का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज हुआ तो ही वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वरना वो असिस्टेंट को दे के उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड, Before planning of his audit work, the auditor should gain sufficient knowledge about the EDP system, specifically where the computer hardware and software are used, how is the EDP work organized, which items are computerized, which processes are performed on them and what are the arrangements made for the protection and preservation of the data. जब भी हम लोग audit work plan करते हैं तो EDP system में सारी चीज़ें ध्यान रखने की, कौन सा software use कर रहे हैं, EDP को किस तरीके से organize करना है, कौन कौन सा data डाल रहा है, वो सारी चीज़ें इसको पता होनी चाहिए। There is no audit trail, no primary records and no visible output. Hence, the auditor has to modify system for review of internal controls and examination of data. It is not possible to carry out working of computerized record in the traditional way. He has to alter his verification procedure too. जैसे हम लोग का पहले चलता था मैनुअली हम लोग काम करते थे, तो अगर कुछ चेंजेस होता है तो हम लोग नॉर्मली कट करके हम लोग लिख सकते थे, लेकिन जैसे हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस आए या अगर कुछ एरर आए तो उसको करेक्शन हम लोग को एट द टाइम ही करना पड़ेगा, वरना हम लोग का पूरा बैलेंस शीट ही गलत हो जाएगा और EDP का कुछ काम नहीं होगा। इसकी वजह से किस तरीके से उसको मॉडिफाई करना है ये भी ऑडिटर को आना चाहिए। ओके, फिर
Fifth, of course, the EDP system of accounting is beneficial to the auditor in certain respect. If controls are found to be satisfactory, he can rely on the arithmetical accuracy of the data. Thus, routine calculation can be skipped and more attention can be placed on the other important matter. हाँ, EDP आज के टाइम पे काफ़ी ईजी हो गया, क्योंकि हम लोग को सिर्फ डेटा डालते रहना और इसकी वजह से काफ़ी टाइम बच भी रहा है. जो मैनुअली हम लोग करते थे उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन वो डेटा रिलायबल और परफेक्ट होना चाहिए, तो ही हम लोग का कंट्रोल सही चलेगा. सिक्स, वंस द ऑडिटर चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ही कैन यूज आइदर ऑफ द टू मेथड फॉर द पर्पज ऑफ हिज ऑडिट, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर और ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर. एक बार ऑडिट कंट्रोल सिस्टम चालू हो गया तो उसके बाद वो दो तरीके से उसको चेक कर सकता है. एक तो अंदर में ही कंप्यूटर को चेक कर दो, या दूसरा पूरा सामान को चेक करो. तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का ये लेक्चर खत्म हुआ, EDP ऑडिट और EDP कंट्रोल. होपफुली आपको समझ आया होगा वीडियो. अगर आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा, और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.